Hello student, in today's lecture we are going to learn about the next scheduling algorithm और आज हम discuss करने वाले हैं scheduling algorithm में priority scheduling algorithm and RR scheduling algorithm, that means round robin scheduling algorithm. So the learning outcomes for the today's lecture is understand the concept of different scheduling algorithm जिसमें आज हम discuss करने वाले हैं priority scheduling algorithm और RR scheduling algorithm. So today's lecture prerequisite is SJF and SRTN जो हमने previous lecture में discuss किया था shortest job first that means SJF and second one is SRTN that means shortest remaining time next. This is the prerequisite for the today's lecture. Before starting the scheduling algorithm we have to revise process state. जैसे कि हम हर एक scheduling algorithm में सबसे पहले इसी diagram को हम देख रहे हैं, हर एक slide में आपने देखा होगा ये diagram आपको common दिख रही होगी. Why? Because all the scheduling algorithm को अगर आपको understand करना है तो आपको सबसे पहले process state के diagram को समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा how the job queue works, how the ready queue works and how the process going to the CPU for the execution. तो सबसे पहले new अगर process है तो वो कहाँ पे रहेगी? Job queue में. That means job queue कहाँ पे present रहता है? Hard disk के ऊपर में. After some time, those processes are getting ready for starting its execution. This process comes in a ready queue, that means admitted in a ready queue. And ready queue कहाँ पे available रहता है? Place रहता है RAM. तो RAM पे ही हमारा scheduling algorithm apply होता है. So, out of these processes, one question is कि how to select the process for the execution. So ये decide यहाँ पे करेगा ready queue में scheduling algorithm. So scheduling algorithm select the particular process for the execution and sending it to the CPU. CPU के पास में जब process जाएगा तो वो state रहेगा उस process का running और इसको हम बोलेंगे scheduler dispatch. After that device queue, कि अगर किसी process को device की ज़रूरत है so वो उस device के लिए request कर रहा है, वो device अगर free होगा तो okay, otherwise क्या होगा? Process wait करेगी ना device queue. And the next one is रनिंग स्टेट में क्या होगा कि रेडी क्यू में से प्रोसेस निकल के सीपीयू के पास में जाएगी, तो सीपीयू के पास में अगर प्रोसेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज रनिंग. एंड फाइनली क्या होगा? एग्जिट, दैट मींस टर्मिनेटेड. और एक हो सकता है इंटरप्ट, जो हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में, आई अगेन रिपीट, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं? इंटरप्ट को कॉल करते हैं. सो नेक्स्ट एल्गोरिदम इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. अभी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होगा कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन अ बैच सिस्टम. अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करते तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये क्या होगा? नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम. नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम मीन्स वॉट? कि एक बार प्रोसेस रेडी की उसे निकल के सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए गई तो वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ही लेगी. हम वहां पे इंटरप्ट कॉल करके वापस से उस प्रोसेस को रेडी क्यू में नहीं डालेंगे. सो ऐसे एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. दैट मींस अगर मैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को कंपेयर करता हूँ एफसीएफएस के साथ में सो बोथ आर सेम, बट वन डिफरेंस इज ओनली कि हम एफसीएफएस में क्या कर रहे थे कि जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए हम सबसे पहले भेज रहे थे. बट इन प्रायोरिटी क्या हो रहा है कि प्रायोरिटी में क्या हो रहा है कि जब प्रोसेस जनरेट हो रही है तो उसके साथ में उसकी प्रायोरिटी भी डिसाइड हो रही है, और जब वो प्रोसेस रेडी क्यू में आ रही है तो उसके साथ में उसके बर्स्ट टाइम के साथ में प्रायोरिटी भी होगी और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली प्रोसेस जाके एग्जीक्यूट होगी. ईच प्रोसेस इज असाइन अ प्रायोरिटी. हर एक प्रोसेस के पास में क्या रहेगी? प्रायोरिटी. प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन. जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो प्रोसेस सबसे पहले जाके एग्जीक्यूट यहाँ पे होगी इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. प्रोसेस विद द सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. समटाइम्स कोई ऐसी प्रोसेसेस रहेगी जिसकी प्रायोरिटी जो है वो सेम रहेगी, सो इन दैट केस हमको प्रोसेस को एग्जीक्यूट टू करना, हम दोनों प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेज सकते. सो ऐसे कंडीशन में जब दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम होगी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एफसीएफएस एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे. प्रायोरिटी कैन बी डिसाइड बेस्ड ऑन द मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट्स और एनी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट. अभी यहाँ पे प्रोसेसेस की प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं? सो इट्स बेस्ड ऑन द मेमोरी रिक्वायरमेंट कि उस प्रोसेस को कितने मेमोरी की जरूरत है.
कितने टाइम की जरूरत है और एनी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इसके साथ में जो भी रिसोर्सेज की उसको जरूरत पड़ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम यहाँ पे प्रोसेस की प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। नाउ अराइवल टाइम, इट इज द टाइम व्हेन द प्रोसेस कम्स इन अ रेडी क्यू आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रोसेस। अराइवल टाइम मतलब क्या होता है कि जब एक कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, जो नई प्रोसेस रेडी क्यू में आई है तो वो कितने टाइम के बाद में आई, दिस इज द अराइवल टाइम, जिसकी जरूरत हमको आगे में पड़ेगी, जैसे कि हमने प्रीवियस एल्गोरिथम में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। नाउ एग्जाम्पल ऑन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इन दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम द प्रोसेस कम्स इन रेडी क्यू ओनली विथ इट्स प्रायोरिटी, देर इज नो अराइवल टाइम कंसिडर्ड, और अराइवल टाइम इज नॉट गिवन इन द एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले, जिसमें क्या दिया हुआ है आपको कि प्रोसेसेस रेडी क्यू में आई हुई है जस्ट विद द प्रायोरिटी। इस एग्जाम्पल में आपको अराइवल टाइम गिवन नहीं दिया हुआ है, और अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं है दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज सेम एज द FCFS, ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रायोरिटी आपको गिवन रहेगी और उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताऊँ बिफोर व्यूइंग द बार चार्ट, कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस एग्जाम्पल में देर आर 5 प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, एवरी प्रोसेस हैविंग इट्स ओन बर्स्ट टाइम 10 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड, एंड हैविंग द प्रायोरिटी 3, 1, 4, 5, 2। सो इन दिस केस यहाँ पे हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस को CPU के पास में एग्जीक्यूशन के लिए भेजने वाले, और बिकॉज ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो एक बार प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो वापस से रेडी क्यू में नहीं आएगा। सो यहाँ पे अभी हमको क्या देखना पड़ेगा, किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, तो यहाँ पे प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी 1 दिख रही है, दैट मीन्स द प्रोसेस P2 हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई इन बार चार्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, P2। जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप बार चार्ट ड्रॉ करोगे तो आपका जो रो यहाँ पे डिजाइन करोगे आप, तो वो एम्प्टी रो रहेगा, जहाँ पे मैंने P2, P5, P1, P3, P4 लिखा हुआ है, ये प्रोसेसेस आप पहले से वहां पे नहीं लिख सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप उस रो में उस प्रोसेस को एंटर करके करने के बाद में उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम लिखना है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सी प्रोसेस को भेजेंगे, P2 के लिए, वाई, बिकॉज द प्रायोरिटी ऑफ P2 इज 1। सो P2 एक बार एग्जीक्यूशन के लिए गया तो एग्जीक्यूशन ऑफ P2 कितने मिलीसेकंड का है, 1 मिलीसेकंड का, तो P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। After P2 किस प्रोसेस की प्रायोरिटी है, P5, सो आफ्टर P2 कौन आया, P5, P5 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 5 मिलीसेकंड, दैट्स व्हाई 5 + 1 = 6। आफ्टर दैट P1 की प्रायोरिटी है 3, सो 10 + 6 = 16। आफ्टर दैट P3 की प्रायोरिटी है 4, दैट इज 18, क्योंकि P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 2 मिलीसेकंड, तो 16 + 2 = 18। एंड आफ्टर दैट P4 की प्रायोरिटी लास्ट थी और P4 का एग्जीक्यूशन टाइम था 1 मिलीसेकंड, सो 18 + 1 = 19। अगेन रिपीट कि यहाँ पे ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसलिए एक बार एग्जीक्यूशन के लिए चला गया तो वो वापस से रेडी क्यू में नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर द प्रोसेसेस, इन दिस सिक्वेंसेस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एग्जीक्यूट दिस ऑल द 5 प्रोसेसेस। पहले हमने P2 को एग्जीक्यूट किया तो रेडी क्यू में P1, P3, P4, P5 बचा था, तो उसमें P5 की प्रायोरिटी हमको ज़्यादा मिली तो हमने P5 को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा, तो P1, P3, P4 बचा था। आफ्टर दैट हम ये तीनों प्रोसेस में से P1 की प्रायोरिटी ज़्यादा थी तो हमने P1 को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा, तब P3 और P4 रेडी क्यू में था, आफ्टर दैट P3 की प्रायोरिटी 4 थी इसलिए हमने P3 को भेजा, एंड आफ्टर दैट P4 की प्रायोरिटी 5 थी तो हमने P4 को भेजा। सो दिस इज द बार चार्ट। नाउ द सेकंड स्टेप इज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। दिस इज द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। एवरी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का लेफ्ट साइड मतलब क्या रहेगा, वेटिंग टाइम, एंड राइट साइड मतलब रहेगा टर्न अराउंड टाइम। सो द P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है, 6 मिलीसेकंड, टर्न अराउंड टाइम 16 मिलीसेकंड, P2 का 0, टर्न अराउंड टाइम 1, P3 का 16, 18, P4 का 18, 19, एंड P5 का 1 एंड 6।
सो दिस इज द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम. फाइनली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम 6 + 0 + 16 + 18 + 1 / 5 = 8.2 मिलीसेकंड इज द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर दिस एग्जाम्पल. एंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम 16 + 1 + 18 + 19 + 6 / 5 = 12 मिलीसेकंड. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विदाउट अराइवल टाइम. अगेन रिपीट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विदाउट अराइवल टाइम. ओके, सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. नाउ दिस इज द अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे भी आपको अराइवल टाइम गिवन नहीं है और ना ही आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आपको अराइवल टाइम गिवन रहेगा. सो यहाँ पे जब भी प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी तो ये सिर्फ आएगी अपने साथ में उसका बस टाइम कैरी करते हुए और वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी. सो दीज आर द 6 प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, P6. टाइम इज 26, 15, 8, 12, 5 एंड प्रायोरिटी इज 4, 1, 2, 3, 2, 4. जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जब प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी तो उसके पास में सिर्फ क्या रहेगा, उसका बस टाइम एंड बस टाइम एंड द प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. नाउ फर्स्ट वन इज बार चार्ट. बार चार्ट हम कैसे बनाएंगे? सो दिस इज द बार चार्ट. यहाँ पे हम शुरुआत में पुट कर देंगे 0. अभी यहाँ पे P2 प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए हमने P2 को लाया. टोटल टाइम एग्जीक्यूशन कितना है? 6 मिलीसेकंड. आफ्टर P2 कौन है? P3 प्रोसेस हैविंग द सेम प्रायोरिटी एंड P5 प्रोसेस हैविंग द सेम प्रायोरिटी. सो इन दैट केस, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि इफ द टू प्रोसेस हैविंग द सेम प्रायोरिटी देन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? FCFS. और अकॉर्डिंग टू FCFS P3 एंड P5 में से हम सबसे पहले एग्जीक्यूट किसको करेंगे? P3 प्रोसेस. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे P3 लिखा हुआ है और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 15 मिलीसेकंड. तो 15 + 6 = 25 एंड आफ्टर दैट हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P5. व्हाई? बिकॉज P2 एंड P3 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे P1, P4, P5, P6 बचेगा और इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? P5 की. तो हमने P5 को लाया और P5 का 12 मिलीसेकंड. सो ये हो जाएगा आपका 33. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग P2, P3 एंड P5 रिमेनिंग प्रोसेस आर P1, P4, P6. ओके, रिमेनिंग प्रोसेस आर P1, P4 एंड P6. तो इन तीनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगी? तो यहाँ पे P1 की 4 है, P4 की 3 है एंड P6 की 4 है. सो इन दैट केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो P4 की प्रायोरिटी आपको सबसे हाईएस्ट दिख रही है, इसलिए आपने P4 लाया. तो P4 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 8 मिलीसेकंड. तो 33 + 8 = 41 एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस P1 एंड P6 हैविंग द सेम प्रायोरिटी. इन दैट केस हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? FCFS. और FCFS में सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए कौन आएगा? P1 प्रोसेस. और P1 प्रोसेस का यहाँ पे क्या है दिया हुआ है? प्रायोरिटी बस टाइम 20 मिलीसेकंड. सो 20 + 41 = 61 एंड द लास्ट प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज P6. सो ये हो जाएगा आपका P6 का एग्जीक्यूशन 5 मिलीसेकंड. तो 61 + 5 = 66. सो दिस इज द बार चार्ट. आफ्टर दैट दिस इज द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम. सो P1 का 41 वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम 61, P2 का 06, P3 का 621, P4 का 33, 41, P5 का 21, 33, P6 का 61 एंड 66. एंड फाइनली हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे. 41 + 0 + 6 + 33 + 21 + 61 / 6 = 27 मिलीसेकंड. एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 61 + 6 + 21 + 41 + 33 + 66 / 6 = 38 मिलीसेकंड. So this is the average waiting time and average turnaround time. Now the next algorithm is round robin scheduling algorithm, जिसको हम RR scheduling algorithm बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि round robin scheduling algorithm is totally a preemptive scheduling algorithm. अभी इसको हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे एक बार प्रोसेसर के पास में कोई प्रोसेस आ जाए तो वो प्रोसेस जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही CPU एग्जीक्यूट करेगा और वो टाइम पीरियड हम यहाँ पे अलॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम क्वांटम. आई अगेन रिपीट,
इसको ये हमारा आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्रोसेसर कोई भी प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, दैट मीन्स यहाँ पे इंटरप्ट 100% कॉल होने वाला है, और वो जो टाइम रहेगा वो हम यहाँ पे हम अलॉट करेंगे इन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। Each process is provided a fixed time to execute. It is called as a time quantum or a time slice. जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि हर एक प्रोसेसर यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रोसेसर यहाँ पे कोई भी प्रोसेस को एक फिक्स टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा। रिमेनिंग एग्जीक्यूशन अगर उस प्रोसेस का बचा हुआ है तो वो प्रोसेस जाएगी रेडी क्यू में, और रेडी क्यू में से फिर से सीपीयू के पास में आएगी। सो जो टाइम फिक्स रहेगा उस टाइम को हम यहाँ पे बोलते हैं टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। Once a process is executed for a given time period, it is preempted and other process execute for a given time period. एक बार प्रोसेस अपना वो फिक्स टाइम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो यहाँ से वो क्या हो जाएगी, प्रीएम्प्ट हो जाएगी। प्रीएम्प्ट होना मतलब क्या कि इंटरप्ट कॉल होके वापस से वो रेडी क्यू में जाएगी और दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास में आएगी। सो अगर एक प्रोसेस है P1 प्रोसेस और यहाँ पे हमने टाइम स्लाइस दिया हुआ 2 मिलीसेकंड का, तो यहाँ पे P1 प्रोसेस जाएगी सीपीयू के पास में और वो 2 मिलीसेकंड तक के एग्जीक्यूट होगी और वापस से चली जाएगी रेडी क्यू में, और नेक्स्ट प्रोसेस P2 आएगी और वो अपना 2 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी विद द सीपीयू। बट P2 प्रोसेस का अगर एग्जीक्यूशन यहाँ पे 4 मिलीसेकंड का होगा टोटल, तो यहाँ पे P2 प्रोसेस सिर्फ 2 मिलीसेकंड के लिए ही सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूट होगी, रिमेनिंग एग्जीक्यूशन वो अपना नेक्स्ट राउंड में कंप्लीट करेगी। That's why this is the preemptive scheduling algorithm. Context switching is used to save the state of preempted process. अभी यहाँ पे जो concept use होगा वो context switching का रहेगा, जहाँ पे processes की state जो रहेगी वो save हम करेंगे in PCB. In short, in RR scheduling algorithm, processor execute one process for a time quantum in a one round only. Remaining execution will be continued in next round, that is process execute in one round for a fixed time limit. जैसा कि यहाँ पे आपको शॉर्ट में अगर याद रखना है तो क्या होगा कि प्रोसेसर्स प्रोसेस को फिक्स टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा इन अ वन राउंड, अनदर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस विल कंप्लीटेड इन अ नेक्स्ट राउंड। सो इसी के ऊपर में हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। इन द फॉलोइंग एग्जांपल टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस इज गिवन इन द आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, फॉलोइंग एग्जांपल शोज द आरआर शेड्यूलिंग विदाउट अराइवल टाइम। अभी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे विदाउट अराइवल टाइम, जिसमें टाइम क्वांटम आपको मेंशन दिया हुआ है, टाइम क्वांटम इज अ 4 मिलीसेकंड। दैट मींस व्हाट, कि प्रोसेसर एग्जीक्यूट वन प्रोसेस ओनली फॉर अ 4 मिलीसेकंड। अगेन रिपीट, प्रोसेसर एग्जीक्यूट एवरी प्रोसेस फॉर अ 4 मिलीसेकंड इन अ सिंगल राउंड। अगर उस सिंगल राउंड में उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो प्रोसेस अपना रिमेनिंग एग्जीक्यूशन इन नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी। सो दिस इज द एग्जांपल, देयर आर 3 प्रोसेस P1 P2 P3 एंड द बर्स्ट टाइम इज 24 3 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे टाइम क्वांटम 4 मिलीसेकंड का दिया हुआ है। सो हमारा बार चार्ट कैसे बनेगा, स्टेप वन बार चार्ट, दिस इज द बार चार्ट। मैंने जैसा कि बोला हुआ है कि सारे प्रोसेसेस को एक साथ आपको वहाँ पे नहीं लिखना, वन बाय वन प्रोसेस को इन करना आपको इस रो में। सो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हर एक प्रोसेस जो है वो 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी सीपीयू के साथ में। ओके, तो दिस आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज अगेन सेम एज द एफसीएफएस। बट एफसीएफएस में क्या हो रहा था कि एक बार एक प्रोसेस जो पहले प्रोसेस आएगी रेडी क्यू में, वो प्रोसेस जाके एग्जीक्यूट होगी सीपीयू के साथ में और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही कर लेगी, बाकी की प्रोसेस उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होने तक के क्या करेगी, वेट करेगी। सो जो वेटिंग टाइम जो था हमारा FCFS में वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू FCFS। और प्रॉब्लम ये होगा कि अगर कोई प्रोसेस मैक्सिमम टाइम के लिए वेट कर रही है तो प्रोसेस सामने जाके डेडलॉक में जा सकती है। सो उसका एक सोल्यूशन हमने निकाला आरआर शेड्यूलिंग के थ्रू। अभी आरआर शेड्यूलिंग में जो एग्जाम्पल अभी हम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जब इस एग्जांपल का एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप कैलकुलेट करोगे, चेक करोगे विद द सेम एग्जांपल ऑफ FCFS, तो आपको आरआर शेड्यूलिंग के एग्जांपल में इसका जो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम है वो आपको कम मिलेगा। व्हाई? बिकॉज जो वहां पे वेटिंग टाइम हर एक प्रोसेस को ज्यादा लग रहा था वो वेटिंग टाइम यहाँ पे कम लग रहा है।
सो यहाँ पे कैसा होगा कि सबसे पहली प्रोसेस है हमारी P1 प्रोसेस, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 24 मिलीसेकंड। तो हम रेडी क्यू में से यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन है, दैट मीन्स व्हाट कि सबसे पहले ये तीनों प्रोसेस साथ में जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि RR इज लाइक अ FCFS, सिर्फ यहाँ पे चलेंगे क्या नंबर ऑफ राउंड्स। तो क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रोसेस साथ में रेडी क्यू में आई हुई है, तो हम सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए किसको भेजेंगे, P1 प्रोसेस को। P1 प्रोसेस का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 24 मिलीसेकंड। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे RR शेड्यूलिंग की, तो यहाँ पे प्रोसेसर इस प्रोसेस को एक साथ कंप्लीट नहीं करेगा, वो क्या करेगा 24 में से 4 मिलीसेकंड का ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। सो आप देखोगे यहाँ पे P1 ने जब अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो प्रोसेसर ने खाली 4 मिलीसेकंड तक ही उसको एग्जीक्यूट किया। अगेन रिपीट, P1 ने जब अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो प्रोसेसर ने ओनली 4 मिलीसेकंड का ही उसने अलॉट किया। आफ्टर 4 मिलीसेकंड इंटरप्ट कॉल हुआ और वापस से प्रोसेस कहाँ पे गई, रेडी क्यू में। अभी रेडी क्यू में जब P1 प्रोसेस जाएगी तो उसका रिमेनिंग टाइम कितना रहेगा 20 मिलीसेकंड है। अगेन रिपीट, जब प्रोसेस P1 रेडी क्यू में वापस जाएगी इंटरप्ट कॉल होने के बाद में, तो उस प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम कितना रहेगा 20 मिलीसेकंड। सो इन रेडी क्यू देर आर 3 प्रोसेस एट द टॉप, P2 विद द 3 मिलीसेकंड, आफ्टर दैट P3 विद द 3 मिलीसेकंड एंड आफ्टर दैट P1, क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन होके वो वापस से P3 के नीचे में जाके रुक जाएगा विद द अपडेटेड टाइम 20 मिलीसेकंड। सो आफ्टर P1 यहाँ पे CPU के पास में कौन सी प्रोसेस जाएगी, P2 प्रोसेस, और P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 3 मिलीसेकंड। सो 3 मिलीसेकंड P2 का एग्जीक्यूशन टाइम है, और यहाँ पे टाइम स्लाइस हमने CPU को कितना दिया हुआ है 4 मिलीसेकंड का, दैट मींस व्हाट कि P2 इज टोटली एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे अभी इंटरप्ट कॉल नहीं होगा, सो यहाँ पे P2 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे टाइम क्वांटम कितना है 4 मिलीसेकंड, और P2 को टाइम मतलब CPU 4 मिलीसेकंड तक के एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, बट P2 को कितनी मिलीसेकंड की जरूरत है 3 मिलीसेकंड की, दैट मींस P2 जो है अपना एग्जीक्यूशन उस टाइम क्वांटम में कंप्लीट कर सकता है। सो P2 एग्जीक्यूटेड, सो 4 + 3 = 7। सो यहाँ पे CPU रिमेनिंग 1 मिलीसेकंड के लिए वेट नहीं करेगा, वो तुरंत क्या करेगा P2 को एग्जीक्यूट करने के बाद में P3 को अलाउ कर देगा, और P3 का भी सेम है, उसको 3 मिलीसेकंड की जरूरत है, लेकिन टाइम क्वांटम कितना है 4 मिलीसेकंड का। सो यहाँ पे P3 भी जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो 7 + 3 = 10। बट नाउ इन रेडी क्यू ओनली 1 प्रोसेस इज देयर एंड द प्रोसेस नेम इज P1 विद द रिमेनिंग टाइम 20 मिलीसेकंड। तो वापस से रेडी क्यू में से CPU के पास में कौन जाएगा P1, तो ये अपना कितना मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन करेगा 4 मिलीसेकंड का, तो 10 + 4 = 14। अगेन रिपीट, 10 + 4 = 14, एंड आफ्टर दिस राउंड अगेन प्रोसेस गोज इन अ रेडी क्यू, दैट्स व्हाई। अभी आप यहाँ पे समझो, मैंने P1 5 टाइम्स लिखा हुआ है, व्हाई मैं यहाँ पे एक ही ब्लॉक में P1 लिख सकता था, लेकिन हमारा RR शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या बोल रहा है कि हमने टाइम क्वांटम यहाँ पे CPU को दिया हुआ है, तो CPU हर एक उस टाइम क्वांटम के बाद में 100% वापस से प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजेगा, वो भले रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस क्यों ना हो। अगेन रिपीट कि टाइम क्वांटम अगर फिक्स है तो प्रोसेस को हमारा CPU हर एक 4 मिलीसेकंड के बाद में रेडी क्यू में भेजेगा। तो जैसा कि रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस थी विद द रिमेनिंग टाइम 20 मिलीसेकंड, तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, सो 10 + 4 = 14 हो गया, वो वापस से कहाँ पे गई रेडी क्यू में, बट रेडी क्यू में कोई दूसरी प्रोसेस नहीं, तो वापस से P1 एग्जीक्यूशन के लिए आया। तो इस बार जब वो एग्जीक्यूशन के लिए आएगा तो हमने 4 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया उसका, तो 20 - 4 = 16, तो अभी रिमेनिंग टाइम उसका कितना है 16, तो वो फिर से एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, 4 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा, 14 + 4 = 18, तो रिमेनिंग टाइम इज 12 मिलीसेकंड। अगेन से इंटरप्ट कॉल होगा, फिर से रेडी क्यू में जाएगा, और रेडी क्यू में कुछ भी नहीं था तो इसलिए फिर से P1 एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, तो अगेन 4 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करेगा, तो वो रिमेनिंग टाइम इज 8 मिलीसेकंड। फिर से इंटरप्ट कॉल होगा, फिर से प्रोसेस जाएगा रेडी क्यू में, और रेडी क्यू में से फिर से आएगा, क्योंकि रेडी क्यू में कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है, सो 8 - 4 = 4 मिलीसेकंड। अभी P1 का एग्जीक्यूशन कितने मिलीसेकंड का बचा हुआ है, 4 मिलीसेकंड का। सो इधर क्या होगा 22 + 4 = 26, और फाइनली वहां से इंटरप्ट कॉल होगा और वापस से प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगी, और रेडी क्यू में कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है इसलिए P1 फिर से एग्जीक्यूशन के लिए आएगा,
और अपना रिमेनिंग 4 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, सो 26 प्लस 4 इज 30। सो इस तरीके से आपका आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अपना प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे बेसिक कैलकुलेशन की 4 मिलीसेकंड अगर टाइम स्लाइस है और P1 का टोटल एग्जीक्यूशन 24 मिलीसेकंड है, तो 24 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना मिलता है आपको, 6। ओके, सो आप बार चार्ट में देखोगे P1 प्रोसेस आपको 6 टाइम दिख रही है। अगेन रिपीट, P1 प्रोसेस आपको 6 टाइम दिख रही है। व्हाई? बिकॉज यहां पे 4 मिलीसेकंड के कितने राउंड चले, 6 राउंड, क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 24 मिलीसेकंड। तो हमने क्या किया, 24 डिवाइड बाय 4, 6, दैट मींस 6 राउंड्स आपके P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए चले। अगर यहाँ पे P1 प्रोसेस का बस टाइम 21 और 22 और 23 भी होता तो भी यहाँ पे हम 6 राउंड हमारे उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए चलते। क्यों? क्योंकि लास्ट राउंड में अगर 21 मिलीसेकंड उस प्रोसेस का बस टाइम होता तो लास्ट राउंड में P1 प्रोसेस सिर्फ 1 मिलीसेकंड ही एग्जीक्यूट हुई रहती। जैसा कि हम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इस एग्जांपल में नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझेगा। सो वहाँ पे भी 6 राउंड ही चलते। बट अगर यहाँ पे P1 का एग्जीक्यूशन टाइम 20 मिलीसेकंड होता तो P1 अपना एग्जीक्यूशन कितने मिलीसेकंड में कंप्लीट कर लेती, कितने राउंड में कंप्लीट कर लेती, 5 राउंड्स में। सो दिस इज द बार चार्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट रहता है आपका वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। अभी वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, कि P1 प्रोसेस का लेफ्ट साइड मतलब होता है, मतलब हर एक प्रोसेस का लेफ्ट साइड मतलब होता है वेटिंग टाइम और राइट साइड मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। So, अभी अगर आप यहाँ पे P1 देख रहे हो तो P1 में क्या दिख रहा है आपको, देर आर 6 डिफरेंट P1। बट अगर आप यहाँ पे P1 का लेफ्ट साइड कंसीडर करना है तो आप P1 का कौन सा लेफ्ट साइड कंसीडर करोगे, बिकॉज यहाँ पे देर आर 6 P1। बट आपको यहाँ पे देखना है सबसे लास्ट टाइम P1 कहाँ पे आया हुआ है, तो P1 जहाँ पे सबसे लास्ट टाइम आया हुआ है तो उसका जो वेटिंग टाइम आपको दिख रहा है 26 और टर्न अराउंड टाइम कितना दिख रहा है, 30। बट अगर मैं यहाँ पे वेटिंग टाइम की बात करूँ तो जो लास्ट में आपको P1 दिख रहा है उसके पहले भी P1 है, तो अगर आप वहां पे देखोगे सो जो सबसे पहले P1 आया हुआ इस सीरीज में उस P1 का लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको दिख रहा है 10 मिलीसेकंड। अगेन रिपीट, उस सीरीज में सबसे पहला जो P1 आया हुआ है तो वहां पे आपको कितना दिख रहा है, 10 मिलीसेकंड। सो 10 मिलीसेकंड को मैं कंसिडर करने वाला हुआ है, बिकॉज क्या हुआ कि जब P1 एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट टाइम, उसके बाद में P2 एग्जीक्यूट हुआ और P3 एग्जीक्यूट हुआ, तो जब P2 एंड P3 एग्जीक्यूट हुआ था, हो रहा था, तब P1 वेट कर रहा था रेडी क्यू में। बट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग P3 क्या हुआ कि P1 एग्जीक्यूशन के लिए गया, वापस से रेडी क्यू में आया, बिना रुके फिर से एग्जीक्यूशन के लिए, वापस से रेडी क्यू में आया, बिना रुके फिर से एग्जीक्यूशन के लिए गया, वापस से रेडी क्यू में, फिर से गया, फिर से वापस आया, फिर से गया, फिर से वापस आया और फाइनली वो एग्जीक्यूट हो चुका है। दैट मींस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग P3 सिर्फ P1 ही बचा था जो बार बार रेडी क्यू में से CPU की तरफ जा रहा था और CPU से रेडी क्यू में आ रहा था, फिर से CPU, फिर से रेडी क्यू, और जब वो रेडी क्यू में जा रहा था तो वो वेट नहीं कर रहा था, तुरंत रेडी क्यू में जाने के बाद में एग्जीक्यूट हो जा रहा था। वाय? क्योंकि हमने प्रोसेसर को 4 मिलीसेकंड का टाइम स्लाइस दिया था, इसीलिए हमारा जो वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है कि प्रोसेस कितने टाइम तक के रेडी क्यू में रुकी हुई है। और बार चार्ट हमारा क्या होता है, ये हमको शो करता है हाउ द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस। सो एक बार P3 के बाद में जो P1 शुरू हुआ तो फाइनली P1 टर्मिनेट ही हो गया, दैट मींस इस पीरियड में वो प्रोसेस P1 प्रोसेस रेडी क्यू में वेट नहीं किया। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे वेटिंग टाइम में क्या करेंगे, P1 का वेटिंग टाइम इज 10 मिलीसेकंड, और इस 10 मिलीसेकंड में हमारा जो P1 है, ये P1 का जो वेटिंग टाइम है 10 मिलीसेकंड जो हमने कंसीडर किया हुआ, दिस इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ P1। व्हाई? बिकॉज जो 10 मिलीसेकंड आपको यहाँ पे दिख रहा है उस 10 मिलीसेकंड में से ऑलरेडी P1 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। और वेटिंग टाइम मतलब क्या रहता है कि प्रोसेस कितने टाइम तक के लिए रेडी क्यू में रुकी हुई है।
सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि P1 10 मिलीसेकंड के लिए रुकी हुई है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम. वाई? बिकॉज ऑलरेडी इस 10 मिलीसेकंड में से शुरुआत के 4 मिलीसेकंड प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं थी, वो किसके पास में थी? प्रोसेसर के पास में. इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि 10-4=6, हमने शुरुआत का 4 मिलीसेकंड का टाइम माइनस कर लिया वेटिंग टाइम में से. सो 6 इज द एग्जैक्ट वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्रोसेस. दैट मीन्स P2 प्रोसेस ने अपना 3 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तो P1 वेट कर रहा था. अगेन P3 ने अपना 3 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तो P1 वेट कर रहा था, इसलिए 3+3=6 इज द वेटिंग टाइम. अभी हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो सीरीज आपको दिख रही है P1 की, तो उसका लेफ्ट साइड 10 मिलीसेकंड और शुरुआत का 4 मिलीसेकंड हमने माइनस कर लिया, तो 10-4=6 मिलीसेकंड इज द वेटिंग टाइम ऑफ P1. ओके, नाउ द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज व्हाट? सो यहाँ पे लास्ट में P1 कब टर्मिनेट हुआ? ऑन द 30 मिलीसेकंड, इसलिए टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 30 मिलीसेकंड. अभी P2 और P3 की बात बची हुई, तो P2 और P3 आपको बार चार्ट में सिंगल टाइम ही दिख रहा है, इसलिए P2 का वेटिंग टाइम 4 मिलीसेकंड और टर्न अराउंड टाइम 7 मिलीसेकंड, और P3 का वेटिंग टाइम 7 मिलीसेकंड, टर्न अराउंड टाइम इज 10 मिलीसेकंड. सो दिस इज द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1, P2 एंड P3. एंड इन दिस केस 6+4+7/3, 5.66 मिलीसेकंड इज अवर एवरेज वेटिंग टाइम, एंड 30+7+10/3 इज अ equal to 15.67 millisecond. This is the average waiting time and average turnaround time of the P1, P2 and P3 process. So this is the example of RR scheduling algorithm without arrival time. In this example, arrival time is given and the time slice is 2 मिलीसेकंड. जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने 4 मिलीसेकंड कंसीडर किया था, तो वहाँ पे प्रोसेसर एक राउंड में कोई भी प्रोसेस को 4 मिलीसेकंड या फिर उससे लेस टाइम तक ही एग्जीक्यूट कर पा रही थी. सो इस एग्जांपल में हमने टाइम क्वांटम फिक्स कर दिया है प्रोसेसर के लिए फॉर द 2 मिलीसेकंड ओनली. दैट मीन्स प्रोसेसर एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस फॉर ओनली द 2 मिलीसेकंड इन अ 1 राउंड ओनली. सो यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन रहेगा इस एग्जांपल में. सो दिस इज द अराइवल टाइम जो आपको गिवन है. यहाँ पे प्रोसेस है P1, P2, P3, P4. बस टाइम में 8 मिलीसेकंड, 4 मिलीसेकंड, 9 मिलीसेकंड एंड 5 मिलीसेकंड, एंड अराइवल टाइम इज 0, 1, 2, 3. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इज बार चार्ट. अभी यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन है, मतलब क्या कि सभी की सभी प्रोसेस एट अ सेम टाइम एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आई हुई है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले रेडी क्यू में कौन आया? P1. और P1 जैसे रेडी क्यू में उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, इसलिए अराइवल टाइम ऑफ P1 इज 0. सो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, एक साथ ये सारी प्रोसेसेस को रो में नहीं डालना है, वन बाय वन पुट करना है. आप फर्स्ट स्टेप में बार चार्ट जब ड्रॉ करोगे तो किस तरीके से करोगे, एक रो ड्रॉ करोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे 0. नाउ अभी आप एग्जाम्पल की तरफ देखोगे और एग्जाम्पल में पता चला कि सबसे पहले अराइवल टाइम दिया है, दैट मीन्स ऑल द प्रोसेस नॉट कम्स इन अ रेडी क्यू एट अ सेम टाइम, वो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम रेडी क्यू में आई हुई है. सो P1 जैसे है, P1 एग्जीक्यूशन के लिए चला गया, और P1 जब एग्जीक्यूशन के लिए CPU की तरफ गया तो कितने मिलीसेकंड तक के एग्जीक्यूट होगा? ओनली फॉर द 2 मिलीसेकंड. आफ्टर 2 मिलीसेकंड क्या होगा? जब P1 अपना एग्जीक्यूशन 2 मिलीसेकंड का कंप्लीट कर रहा था तो P2 और P3 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके. वाई? बिकॉज जब P1 ने अपना एग्जीक्यूशन 1 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया तो P2 रेडी क्यू में आया, P1 ने फिर से अपना एग्जीक्यूशन 1 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया, मतलब टोटल एग्जीक्यूशन ऑफ P1 इज 2 मिलीसेकंड. तो यहाँ पे कौन आ गया? P3 आल्सो. बट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग P1 फॉर द 2 मिलीसेकंड, यहाँ पे एक इंटरप्ट कॉल होगा और वापस से P1 प्रोसेस कहाँ पे जाएगी? रनिंग स्टेट में से रेडी क्यू में. बाय वहाँ पे कॉल होगा इंटरप्ट. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम हमने कितने मिलीसेकंड का दिया हुआ है? 2 मिलीसेकंड का. सो नाउ द रिमेनिंग टाइम ऑफ P1 प्रोसेस इज 6 मिलीसेकंड. अभी P1 कहाँ पे जाके रुकेगा रेडी क्यू में? P4 के नीचे में. नाउ ऑन द टॉप इज P2, सॉरी कहाँ पे जाके रुकेगा? बॉटम ऑफ द क्यू. नाउ अभी यहाँ पे कौन सी प्रोसेस जाएगी रेडी क्यू में? कौन सी प्रोसेस आई हुई है? P2 प्रोसेस. सो P2 अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए जाएगा तो P2 अपना एग्जीक्यूशन 2 मिलीसेकंड का कंप्लीट करेगा, और जब P2 अपना एग्जीक्यूशन सिर्फ 1 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूट करेगा तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होगा 3 मिलीसेकंड, और तब यहाँ पे P4 भी आ जाएगा. ओके, सो P4 आने के बाद में P2 अपना फिर से 1 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो P2
दो मिलीसेकंड का अपना टोटल एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद में फिर से इंटरप्ट कॉल होगा और फिर से प्रोसेस पी टू निकलेगी रनिंग स्टेट में से और जाके रुक जाएगी रेडी क्यू में। उसके बाद में P3 प्रोसेस जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो अपना 2 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो रिमेनिंग टाइम ऑफ P3 इज 7 मिलीसेकंड, वो रेडी क्यू में चले जाएगा। आफ्टर दैट P4 एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, 2 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो रिमेनिंग टाइम ऑफ P4 इज 3 मिलीसेकंड। नाउ आप यहां पे देखोगे P1 P2 P3 P4 प्रोसेस कंप्लीट इट्स 1 राउंड, बट अभी भी कोई भी प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, और सेकंड राउंड में फिर से आपको यहाँ पे कौन दिखेगा, P1, और P1 का रिमेनिंग टाइम कितना है, 6 मिलीसेकंड। तो P1 एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, 2 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो 8+2=10, वापस से इंटरप्ट कॉल होगा और वापस से वो प्रोसेस P1 जो है रेडी क्यू में जाएगी, तो रिमेनिंग टाइम इज ऑफ P1 इज 4 मिलीसेकंड। आफ्टर दैट P2 का रिमेनिंग टाइम बचा था 2 मिलीसेकंड, तो P2 एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, तो 10+2=12 एंड टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P2 इज 4 मिलीसेकंड। तो नाउ P2 इज टोटली एग्जीक्यूटेड, अभी वो रेडी क्यू में नहीं आएगा। आफ्टर P2 कौन है, P3 का 7 मिलीसेकंड बचा था, सो यहाँ पे अपना 2 मिलीसेकंड कंप्लीट करेगा, फिर से इंटरप्ट कॉल होगा और P3 जाएगा फिर से रेडी क्यू में। सो P3 का रिमेनिंग टाइम बचा था 7 मिलीसेकंड, 7 मिलीसेकंड में से 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हुआ अभी, तो 12+2=14, रिमेनिंग जो 5 मिलीसेकंड है वो प्रोसेस कहाँ पे चला जाएगा, रेडी क्यू में। आफ्टर दैट P4 का रिमेनिंग टाइम बचा था 3 मिलीसेकंड, सो यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट होगा, सो 14+2=16, रिमेनिंग टाइम ऑफ P4 इज 1 मिलीसेकंड, फिर से वो रेडी क्यू में चला जाएगा। सो हियर देर आर 2 राउंड कंप्लीटेड, और इन दिस राउंड ओनली P2 प्रोसेस इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। सो यहाँ पे रेडी क्यू में कितनी प्रोसेस है, P1, P3 एंड P4। P1 का एग्जीक्यूशन बचा हुआ है 4 मिलीसेकंड, P3 का एग्जीक्यूशन बचा हुआ है 5 मिलीसेकंड, और P4 का एग्जीक्यूशन बचा हुआ है 1 मिलीसेकंड। नाउ अगेन P1 आएगा, तो P1 का रिमेनिंग 4 मिलीसेकंड है, तो ये अभी एग्जीक्यूट होगा, तो 16+2=18, फिर से रेडी क्यू में जाएगा विद द रिमेनिंग टाइम 2 मिलीसेकंड। उसके बाद में P3 आएगा, सो 18+2=20, सो यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन कितना बचेगा, 5-2=3 मिलीसेकंड, तो यहाँ पे P3 चला जाएगा रेडी क्यू में विद द 3 मिलीसेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 18+2=20। आफ्टर दैट P4 का एग्जीक्यूशन कितना बचा था, 1 मिलीसेकंड का, तो यहाँ पे होगा 20+1, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 20+1, वाई, बिकॉज द टाइम क्वांटम इज 2 मिलीसेकंड, और यहाँ पे P4 का एग्जीक्यूशन कितना बचा था, 1 मिलीसेकंड का, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 20+1=21। नाउ P4 इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड एंड हियर द 3 राउंड आर कम्प्लीटेड। ओके, कितने राउंड खत्म हो गए यहाँ पे, 3 राउंड। सो द रिमेनिंग प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज P1 एंड द P3। P1 का बचा हुआ है 2 मिलीसेकंड और P3 का बचा हुआ है 3 मिलीसेकंड, तो P1 फिर से एग्जीक्यूशन के लिए आएगा। सो नाउ 21+2=23, P1 इज टोटली टर्मिनेटेड एंड द रिमेनिंग प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज P3 एंड द रिमेनिंग टाइम इज 3 मिलीसेकंड, इसलिए क्या होगा, P3 एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, 2 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और वापस से जाएगा रेडी क्यू में। आई अगेन रिपीट, रिमेनिंग टाइम ऑफ P3 इज 3 मिलीसेकंड, तो यहाँ पे P3 एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, एग्जीक्यूट होगा 2 मिलीसेकंड, तो रिमेनिंग 1 मिलीसेकंड के साथ में वो फिर से रेडी क्यू में जाएगा और फिर से वहाँ पे जब वो चेक करेगा तो रेडी क्यू में कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है, तो फिर से वो रेडी क्यू में से निकल के CPU के पास में एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा रिमेनिंग 1 मिलीसेकंड का, तो 25+1=26। अगेन रिपीट, 25+1=26। सो दिस इज द बार चार्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, जहाँ पे आपको अराइवल टाइम गिवन है, बट उससे ज़्यादा कोई यहाँ पे डिफरेंस फर्क नहीं पड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइम क्वांटम की तरफ ध्यान देना और जो यहाँ पे राउंड चल रहे उस राउंड की तरफ आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सो हियर देयर आर टोटल 4-5 राउंड्स लगे हमको फाइनली सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। अभी ये राउंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पे प्रोसेस का बस्ट टाइम अगर देखोगे तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा उस प्रोसेसेस में से कौन से प्रोसेस का बस्ट टाइम सबसे ज़्यादा है।
तो आपको दिखेगा P3 का 9 मिलीसेकंड का बर्स्ट टाइम है, और अभी आपको देखना पड़ेगा टाइम क्वांटम क्या है, 2 मिलीसेकंड, तो 9 डिवाइड बाय 2 इज 5, 4.5, दैट मींस हम राउंड अप करेंगे उसको 5. सो देयर आर टोटल रिक्वायर्ड राउंड्स इज 5 फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द प्रोसेसेस. सो आप देखोगे यहाँ पे P1 से लेके फर्स्ट P1 से लेके P4 तक के एक राउंड हुआ, सेकंड P1 से लेके P4 तक के सेकंड राउंड हुआ, आफ्टर दैट P1 से लेके P4 तक के थर्ड राउंड हुआ, उसके बाद में P1 आया फोर्थ राउंड, और उसके बाद में P3 चला, तो P3 आगे चलते रहे. सो देयर आर 5 राउंड्स. नाउ कैलकुलेट द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम. सो आपको बार चार्ट ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि हम इसके बेसिस के ऊपर में वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे. सो अभी यहाँ पे हमको प्रोसेस का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना है, और क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम दिया है तो हमको अराइवल टाइम को भी माइनस करना ही करना है. सो यहाँ पे P1 का वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो P1 आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम दिख रहा होगा, तो सबसे लास्ट टाइम आपको कहाँ पे दिख रहा है P1, सो थर्ड लास्ट आपको यहाँ पे P1 दिख रहा है, और P1 का लेफ्ट साइड मतलब वेटिंग टाइम होगा, राइट साइड मतलब टर्न अराउंड टाइम होगा. तो हमको वेटिंग टाइम निकालना है, तो मैं P1 का ले रहा हूँ वेटिंग टाइम 21. अभी 21 इज द वेटिंग टाइम ऑफ P1, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वेटिंग टाइम ऑफ P1, क्योंकि P1 इससे P1 का वेटिंग टाइम मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि P1 रेडी क्यू में कितने टाइम के लिए रुका हुआ था, और बार चार्ट क्या बता रहा है कि प्रोसेसर किस तरीके से प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करता है. सो जब प्रोसेस हमको इस बार चार्ट में दिख रही है, दैट मींस प्रोसेस CPU के पास में थी, प्रोसेस CPU के पास में थी, रेडी क्यू में नहीं थी. और P1 का अगर वेटिंग टाइम यहां पे 21 मिलीसेकंड दिख रहा है, सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वेटिंग टाइम. व्हाई? बिकॉज P1 इससे पहले भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा वो टाइम. इसलिए P1 का वेटिंग टाइम आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में, आपको P1 यहाँ पे दिख रहा है, सो उसका लेफ्ट साइड मतलब 21 मिली सेकंड हो गया, बट इससे पहले P1 एग्जीक्यूट हुई है. तो कहाँ पे हुई है, तो अगर आप देखोगे शुरुआत में 2 मिली सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुई है, 0 से लेकर 2 तक के. सो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे 21 माइनस 2. आफ्टर दैट 8 से लेकर 10 तक के एग्जीक्यूट हुई है, सो अगेन मैंने कर दिया माइनस 2. एंड आफ्टर दैट 16 से लेके 18 तक के हुआ, इसलिए मैंने फिर से माइनस कर दिया माइनस 2. और फाइनली अराइवल टाइम ऑफ P1 इज 0. सो 21 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0 इक्वल टू 15 मिलीसेकंड. अगेन रिपीट, सबसे लास्ट में P1 आपको कहाँ पे दिख रही है, उसका लेफ्ट साइड 21 मिलीसेकंड, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वेटिंग टाइम. इससे पहले P1 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ 22 मिलीसेकंड के लिए, सो 0 से लेके 2 तक के माइनस 2, 8 से लेके 10 तक के माइनस 2, 16 से लेके 18 तक के माइनस 2, और अराइवल टाइम को 0 करो, तो 15 मिलीसेकंड इज द एग्जैक्ट वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्रोसेस. एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 23 माइनस 0 23, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन प्रोसेस सबमिशन प्रोसेस टर्मिनेशन. इसलिए हर एक प्रोसेस का लास्ट में जो भी प्रोसेस आपको दिखेगी बार चार्ट में, उसका राइट साइड मतलब होगा टर्न अराउंड टाइम. आफ्टर दैट P2 का वेटिंग टाइम क्या होगा, सो P2 आपको यहाँ पे कितने टाइम दिख रही है, 2 टाइम्स. सो लास्ट टाइम जहां पे दिख रही है उसका लेफ्ट साइड कितना होगा, 10 मिलीसेकंड. उसका वेटिंग टाइम क्या होगा, 10 मिलीसेकंड, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ P1, बिकॉज इससे पहले P2 बिकॉज इससे पहले P2 एग्जीक्यूट हुई है कितने मिनट के लिए, मिलीसेकंड के लिए, 2 मिलीसेकंड के लिए. कहां पे दिख रहा है आपको, सो 2 और 4 के बीच में देखो P2 दिख रहा है आपको. सो P2 का 10 मिलीसेकंड ये एग्जैक्ट वेटिंग टाइम नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, 10 माइनस 2 और माइनस हमने क्या कर दिया 1 अराइवल टाइम, तो ये मिल गया आपको 7 मिलीसेकंड. और P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 12 माइनस 1 11. सेम थिंग P3 का क्या होगा, लास्ट में P3 आपको क्या कहां पे दिख रहा है, जिसका लेफ्ट साइड क्या होगा, 25, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वेटिंग टाइम ऑफ P3, बिकॉज इससे पहले P3 एग्जीक्यूट हुआ है कहां पे, 4 से लेके 6 तक के, तो मैंने माइनस कर दिया 2. आफ्टर दैट 12 से लेके 14 तक के, तो अगेन माइनस कर दिया 2. आफ्टर दैट 18 से लेके 20 तक के, फिर से माइनस कर दिया 2. आफ्टर दैट 23 से लेके 25 तक के, अगेन फिर से माइनस कर दिया 2. एंड लास्ट जो 2 आपको दिख रहा है, दिस इज द अराइवल टाइम ऑफ P2, दैट्स वाई 25 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 15 मिलीसेकंड इज द वेटिंग टाइम ऑफ P3. और टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, P3 का लास्ट में P3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 26 माइनस 2 इज 24 मिलीसेकंड.
सेम थिंग विद द पी फोर, पी फोर आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। सो पी फोर का लेफ्ट साइड मतलब 20 मिलीसेकंड, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वेटिंग टाइम बिकॉज इससे पहले पी फोर एग्जीक्यूट हुआ है कहाँ पे, तो 6 से लेके 8 तक के, सो यहाँ पे हो गया -2 एंड अगेन 14 से लेके 16 तक के -2 एंड द अराइवल टाइम इज 3 मिलीसेकंड, तो 20 -2 -2 -3 इक्वल टू 13 मिलीसेकंड एंड द टर्न अराउंड टाइम ऑफ पी फोर इज 21 मिलीसेकंड, -3 मिलीसेकंड इज द 18 मिलीसेकंड। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। सो फाइनल आंसर इज 15 + 7 + 15 + 13 / 4 इक्वल टू 12.5 मिलीसेकंड एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 23 + 11 + 24 + 18 / 4 इक्वल टू 19 मिलीसेकंड। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। These are the MSBT questions. Solve the following example. Solve the following by the ARA scheduling algorithm with the time slice 2 millisecond. This is the example. यहाँ पे आपको arrival time दिया हुआ है, जैसा कि आपने previous slide पे solve किया, देखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको arrival time दिया है, तो same example आपको solve करना है by considering the arrival time. Solve the following example by with the priority scheduling algorithm. So ये आपको example दिया हुआ है, जिसको आपको priority scheduling algorithm से solve करना है. Priority scheduling algorithm में अराइवल टाइम गिवन नहीं रहेगा, सिर्फ प्रोसेस यहाँ पे रेडी क्यू में आएगी विथ ओनली द प्रायोरिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। समरी ऑफ लर्निंग, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड आरआर शेड्यूलिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द अनदर टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लाइक मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। Thank you.